गाइस तो ये है मेरे पास माइक्रोमैक्स इन्नो 2, जिसके ऊपर आज मैं इसका गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। हम इसमें BGMI लगभग 1 घंटा चला के देखेंगे और देखते हैं कि बीच में कोई हीटिंग होती है या फिर नहीं होती है, फ्रेम ड्रॉप्स कितने करता है फ़ोन, और साथ में ये भी देखेंगे जायरो कैसा है फ़ोन का, और इसमें हम अच्छी गेमिंग कर पाते हैं या फिर नहीं, और इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हर चीज़ एकदम टेस्ट कर लेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस फ़ोन में हमें MediaTek Helio G95 देखने के लिए मिलता है। बैटरी अभी लगभग 98% समथिंग है, और वॉल्यूम मैंने लगभग 50% सेट कर दिया है। डिस्प्ले ब्राइटनेस को मैं 75% पे रखने वाला हूँ। स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर देखें तो आप देख सकते हो कि 29 डिग्री सेल्सियस बैटरी का शो हो रहा है हमें AnTuTu के ऐप में, और करीब 42-43 डिग्री सेल्सियस समथिंग CPU का शो हो रहा है हमें AnTuTu वाले ऐप में। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले टाइम देख लीजिए, 1:23 हो रहा है। आप लोडिंग टाइम भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कितना लोडिंग टाइम रहा BGMI को लोड करने में। सबसे पहले हम इसमें 15 मिनट TDM खेलते हैं और जायरो के साथ खेलेंगे, जिससे कि आपको दिख सके कि जायरो कैसा है इस फोन का। ग्राफिक्स आप देख सकते हो कि स्मूथ के अल्ट्रा तक खेल सकते हैं, मतलब 40 FPS, बैलेंस में भी अल्ट्रा है और HD में हाई है। मैं इसको बीच बीच में चेंज करके आपको दिखाता रहूँगा कि कैसा हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप देख सकते हो कि जायरो काफ़ी प्रॉपर लग रहा है मेरे को, और कोई भी जायरो में डिले नहीं है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ओके, तो अब मैं गेम खेलता हूँ और मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि क्लियर सुन सकूँ। इनिशियली परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक लग रहा है, वैसे आप मेरा गेमिंग मत देखिए, फ़ोन का परफॉर्मेंस चेक करिए। जायरो से मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, मैंने कभी जायरो ट्राई नहीं किया है, बस कभी कभार वीडियो बनाते टाइम जायरो देखता हूँ। हमारा 1 TDM का गेम कंप्लीट हो चुका है और मैं MVP नहीं हूँ। एक्चुअली जायरो से मैं खेल नहीं पाता, तभी मैंने 12 तो मार ही दिए। और गेमिंग की बात करूँ तो कोई भी मेरे को डिले वगैरह नहीं दिखा, और एकदम परफेक्टली जायरो काम कर रहा है। वैसे इससे पहले मैंने N1 में टेस्ट किया था, तो N1 में भी काफ़ी ठीक था और यहाँ पर भी काफ़ी ठीक है। और टाइम के लिए मैं बताऊँ तो अभी आप देख सकते हो 1:31 हुई है, मतलब हमें करीब 6-7 मिनट हो गया था ये गेम को खेलने में। चलो अभी और कंटिन्यू करते हैं इसी। ऑल्दो एनिमेशन वगैरह में कोई भी डिले नहीं है, एनिमेशन वगैरह परफेक्टली वर्क करती है। आप गेमिंग से जब आउट होते हैं या फिर आप गेम में इन करते हैं तब भी काफ़ी बढ़िया है, हालांकि मेरा इंटरनेट उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है यहाँ पे। गाइज दूसरा वाला मैच हम हार गए, कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। बस एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो एनिमेशन का जो ट्रांजिशन चेंज होता है, जैसे अभी मैं यहाँ से लॉबी में जाऊँगा तो कोई भी डिले वगैरह नहीं है, एकदम इंस्टेंट पहुँचते हैं लॉबी वगैरह में, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और ऑल्दो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है, और अभी इतने टाइम में ऐसी कोई मेजर हीटिंग तो मेरे को नहीं लगी। हल्का सा डिस्प्ले यहाँ से ऊपर वाली साइड से हल्का सा वार्म फील हो रहा है। अभी टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं, और ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इंस्टेंट, और यहाँ से होम इंस्टेंट। अभी ये टेम्परेचर भी देखते हैं हम, तो बैटरी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है, और CPU का आप देख सकते हैं 47 है, मतलब सब चीज़ एकदम लिमिट में है, कोई अभी ऐसा ज़्यादा नहीं है। और लिक्विड कूलिंग का फील भी हो रहा है हमें, देखो कितनी जल्दी कम टेम्परेचर कम हो रहा है, 45 हो गया, अभी 46 था, अभी मे बी और जल्दी कम हो जाए, तो लिक्विड कूलिंग यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ हुए। तो चलो अब खेलते हैं, जायरो भी खेलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी चालू कर देते हैं और TDM भी खेलते हैं। तो चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से चालू करता हूँ, फ़ोन में इसकी रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दिए हैं। आप जो साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो वो कौन सी करना चाहते हो, माइक्रोफोन की भी हो जाएगी, डिवाइस की हो जाएगी, और दोनों की हो जाएगी। तो मैं दोनों करता हूँ,
और टचेस को अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल हो सकती है, नहीं तो डिसेबल। तो मैं अभी इसको इनेबल नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। चलो अब मैं जायरो टीडीएम और यही इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे रेंगल लगा लिया, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग चालू है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और जायरो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी लैग वगैरह मेरे को देखने के लिए नहीं मिल रहा, एकदम परफेक्टली जायरो वर्क कर रहा है। चलो एक रेंगल मैच भी खेल के देखते हैं। गाइस अभी 1:53 हो गया है और मेरे को लगभग आधा घंटा खेलते हुए हो गया है। आप देख सकते हो इसकी रिकॉर्डिंग अभी तक चालू है और इसको मैंने पॉज कर दिया। और टेम्परेचर एक बार जल्दी से देख लेते हैं कितना है, तो इसको मैं ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो जा भाई। तो जायरो भी एक्टिव था, अभी 89% बैटरी दिखा रहा है, मतलब हमारी करीब 8 या 9% बैटरी गिरी है एक घंटे में, जबकि ब्राइटनेस 75% थी। टेम्परेचर आप देखते हो तो 38 डिग्री सेल्सियस है और फ़ोन हल्का सा मेरे को बॉम होना फील हो रहा है सामने की तरह से। और यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर भी देख सकते हो, सीपीयू का 64 डिग्री सेल्सियस है, बट देखो अभी कितनी स्पीड से घट रहा है। अभी आप देखो 64 था, 56 54, ये कमाल है लिक्विड कूलिंग का। यहाँ पे डेफिनेटली लिक्विड कूलिंग वर्क कर रही है। मार 5-10 सेकंड में ही आप देख सकते हो 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया। फुल HD में इसकी रिकॉर्डिंग होती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, उतना ज़्यादा बेकार या अच्छा नहीं बोलूँगा मैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो फुल HD में हुई है और 395 MB की बनी है, ये 13 मिनट की फाइल, 13.5 मिनट की फाइल। ओके तो अभी अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। अब करते हैं हम 15 मिनट TDM विदाउट जायरो। इस बार मैं ग्राफिक्स कर देता हूँ HD के हाई। क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, आप टेक्सचर वगैरह देख सकते हो, बट फ्रेम रेट लूज़ हो गए, 30 फ्रेम रेट रह गए बस। गाइस तो अभी खेलते खेलते मेरे को 45 मिनट्स हो चुके हैं और जल्दी से एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं। तो जो होगा वो पीक अब 45 मिनट्स तक हमको मिल जाएगी देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी का 37, मतलब वही स्टिल हो गया है, और CPU का भी 49, मतलब यही लास्ट है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। और बैटरी हमारी करीब 12% खर्च हो गई है 45 मिनट्स में। चलो अब आप पूरा एक घंटा ही कर। ओके गाइस तो अभी आप देख सकते हो 2:23 हो गई है और मैंने 1:23 पे गेम स्टार्ट किया था। अभी पूरा नेट 1 आवर हो गया है मेरे को खेलते खेलते। तो अभी मैं आपको सभी चीज़ चेक कराता हूँ, सबसे पहले टेम्परेचर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी 80% है, स्टार्टिंग में हमने जब 97% की थी। ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं गिराई है, 75% ही है। तो एक घंटे में हमारी करीब बैटरी गिर गई हमारी 17%, और इस हिसाब से आप मान सकते हो कि आपका फ़ोन आपको लगभग 5 से 6 घंटे 75% और 80% ब्राइटनेस पे BGMI खिला देगा। टेम्परेचर भी आप देख सकते हो 47, मतलब वही है 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड CPU का जाता है और बैटरी का वही 36-37 जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, गेमिंग काफ़ी बढ़िया है। G95 लगभग हर एक मामले में BGMI को हैंडल कर लेता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो पहली बार वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ऐसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।